जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, ताकि एक्सरसाइज का जितने सारे क्वेश्चन हैं आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए से समझकर आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है चर। चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता हो। तो चर में कौन कौन आता है? चर में आता है एक्स, वाई, जेड, है ना। और आपने पिछले कक्षा में समीकरण के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि चर के जितने सारे मान थे वो सब क्या थे, अलग अलग आ रहा था। तो उसके जरिए हम चर को यहाँ पर समझ सकते हैं कि चर का मान बदलता है। ठीक है, अब देखिए अचर। अचर का मतलब क्या? अचर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता ना हो। तो इसमें कौन कौन आता है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यदि कहीं अगर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या उसके जगह पर हम 4 लिख सकते हैं? नहीं ना। तो यही कह रहा है कि चर का मान नहीं बदलता है। अगर 4 है तो उसके जगह पर 5 नहीं लिख सकते हैं। अगर जहाँ पर 5 है वहाँ पर हम 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए पद। पद में क्या होता है कि अचर और चर और चर और अचर का मिश्रण भी क्या होता है? पद होता है। यदि कोई किसी में क्वेश्चन में अगर लिखा है कि 1, 2, 3 तो ये भी पद में आता है। अगर कहीं एक्स वाई भी कहीं लिखा है ये भी पद में आता है। और कहीं पर लिखा है कि इन दोनों का मिक्सर भी कहीं पर लिखा हुआ रहा तो भी क्या होता है, वो पद में आता है ना। अब देखते हैं कि पद के रूप क्या होते हैं। तो पद के दो रूप में होता है, एक समान पद में होता है और एक असमान पद में, है ना। तो समान पद को किसे कहेंगे? समान पद में क्या होता है कि चर समान होना चाहिए। ठीक है, और यदि चर समान है तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4x + 9x। तो यहाँ पर सिर्फ हम चर देखेंगे, यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, अचर नहीं देखना है। यदि चर समान रहा तो उसको हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो 4x + 9x तो कितना होगा, 13x होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24x होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, घटाया है 4x - 9x तो आया क्या, -2x। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। आइए देखते हैं असमान पद। तो असमान पद किसे कहेंगे? तो असमान पद में क्या होता है कि चर क्या होगा कि समान नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है, वाई है। तो ये क्या होगा, ये जो क्या होगा असमान पद में आएगा, है ना। ये भी असमान पद में आएगा। और असमान पद में क्या हो, असमान पद में हम लोग जोड़ और घटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन समान पद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ा है कि नहीं, और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए बीज व्यंजक के बारे में जानें। तो बीज व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचर जो होता है ये दोनों प्लस के रूप में भी होता है, घटाव के रूप में होगा, और गुणा के रूप में या फिर भाग के रूप में। तो वो क्या होता है, बीज व्यंजक। तो बीज व्यंजक कब बनता है, चर अचर क्या हो कि ये प्लस के रूप में, घटाव के रूप में, या गुणा के रूप में, या भाग के रूप में रहा तो क्या होगा, वो बीज व्यंजक में आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी बीज व्यंजक होगा, ये भी बीज व्यंजक होगा, ये भी बीज व्यंजक होगा, ये भी बीज व्यंजक, क्योंकि यहाँ पर चर अचर के जरिए ये क्या बन रहा है, बीज व्यंजक बन रहा है। तो ये अगर चर अचर नहीं रहा तो बीज व्यंजक बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से जान लें कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या जानना बहुत जरूरी है, ताकि इसके जरिए से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ कि पूर्ण संख्या में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको अच्छे से तरह से याद कर लें कि पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए बहुपद। तो बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद यदि चर की घात अगर पूर्ण संख्या तो क्या कहलाएगा,
बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर जो है एस की जो घात जो है वो क्या है, टू है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी क्या है, वन है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन है ना, लेकिन सब में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए चार की घात। तो देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी देखिए वन है, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या में दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। ये भी क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स की जो घात है यहाँ पर क्या है, वन है ना, पूर्ण संख्या में है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ये भी बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर चार की जो घात है वो क्या है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ टू है ना, लेकिन कौन बहुपद नहीं होगा, तो ये देखिए ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है, और रूट का मतलब होता है वन बाई टू, तो वन बाई टू क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये पूर्ण संख्या है, ये नहीं होगा। अगर पूर्ण कब होगा, जब जितने सारे यहाँ चार की जो घात है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये भी नहीं होगा, ये तो होगा पूर्ण संख्या लेकिन ये नहीं होगा, इसको जैसे ही ऊपर में लाएंगे तो क्या होगा, y के पावर माइनस वन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये भी क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद, ठीक है। पदों के आधार पर तीन बहुपद होते हैं, एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इन लोग के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। देखिए पहला है 2x, ये क्या है, एक पद होगा, ये भी 2 भी एक पद होगा, ये भी क्या होगा, एक पद होगा, ये भी क्या होगा, एक पद होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। मतलब एक पद कब होगा, जब चर अचर गुणा के रूप में हो, है ना, ठीक है, या फिर चर भी हो अकेला, या चर भी हो अकेला, वो भी क्या होगा, एक पद में होगा। द्विपद कब होता है, दो पद, जैसे कि जब दो, ये दो पद बना इस प्लस के जरिए, ये क्या होगा, दो पद में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी क्या होगा, दो पद होगा, ये भी दो पद में होगा, ये भी दो पद में होगा। तो त्रिपद में कौन कौन आता है, तो त्रिपद में क्या होगा कि तीन पद होगा, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई, ये भी क्या होगा, ये त्रिपद में होगा, ये भी त्रिपद में होगा, ये भी त्रिपद में होगा, ये भी त्रिपद में होगा। अब हम लोग जानेंगे घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तीन मतलब घातों के आधार पर बहुपद जो है तीन प्रकार होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, यदि चर की घात क्या हो, अगर एक हो तो वो क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है, है ना। इसमें भी देखिए वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, यहाँ लिखा है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है, x की जो घात है वो क्या है, टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है बहुपद की घात जो है वो तीन है, यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर रैखिक नहीं बोल सकते, जिसका अधिकतम घात रहा तो उसको ही, उसका ही नाम होगा। देखिए यहाँ पर त्रिघात तीन है, यहाँ पर तीन घात है, तो इसलिए क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद होगा, ये भी त्रिघात बहुपद होगा, ये भी। अब हम लोग लास्ट में जानेंगे कि बहुपद को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यदि कोई बहुपद दिया है एक्स के फंक्शन में, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, पी एक्स बराबर इतना, ठीक है। मतलब इसका मतलब अब पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब ये जो बहुपद जो है वो एक्स के फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी एक्स के फंक्शन में दिया है। यदि वाई फंक्शन में दिया है तो लिखेंगे पी वाई, मतलब पॉलिनोमियल इन वाई, ये जो बहुपद जो दिया है वो वाई के फंक्शन में दिया है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने का तरीका इस तरह होता है, रिप्रेजेंट तरीका इस तरह होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको अच्छी से तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन को बताऊंगा। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।